सबसे पहले अंकल जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज नेगी है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पौड़ीगढ़ वाले अमकेश्वर ब्लॉक का रहने वाला हूँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये जो चाय आप बेचते हैं, हाँ जी, इसका आपको आइडिया कैसे आया है? आइडिया ऐसा है जी, मैं पहले से होटल लाइन में काम करता था, तो क्या हुआ जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में सब काम छूट गया, तो ऐसा कि बाल बच्चेदार आदमी थे तो हमने सोचा कि इस जितनी हमारी तनख्वाह मिलती थी उतना था नहीं, और जो होटल वाले थे जिनकी तनख्वाह थी वो हाफ सैलरी हो गई उनकी, फिर उसमें हमारा गुजर करना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने अपना आइडिया डाला कि हमने इतना एक्सपीरियंस होटल का तो क्यों ना अपना काम शुरू की जाए। तो मैंने 2 साल से शुरू में काम किया, पहले दिन मेरे 20-25 चाय बिकी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं अपना लगे रहो, हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आज की डेट में है कि मैं 350 चाय निकालता हूँ मैं, और तो कितने बजे निकलते हैं आप? मैं सुबह 4:30-5 बजे घर से निकल जाता हूँ जी, और शाम को दोपहर में 11 बजे करीब 11:30 बजे घर पे आ जाता हूँ। लंच आपका क्या? हाँ, 11 बजे बाद लंच, 11:30 बजे बाद, और उसके बाद 3 बजे घर से निकलता हूँ शाम को 7 बजे। तो पहले मैं अकेला था, और इसके बदौलत मैंने थोड़ा अपना मेहनत करी, तो मैंने अपने साथ एक लड़का और रखा है, एक लड़के को और को रोज़गार दे रहा हूँ मैं। तो ये है कि अपना काम है तो अपने काम में कोई वो नहीं है बल्टी भाई। तो ये मैं मसाला खुद अपने हाथ से बनाता हूँ, और मैं मसाले भी खुद बेचता हूँ। मेरे जो हॉस्पिटल वाले हैं, चारधाम हॉस्पिटल वाले, पनेसिया हॉस्पिटल हो गया, लाइफलाइन हॉस्पिटल हो गया, इनके जो डॉक्टर लोग चाय पीते भी हैं और मसाले भी लेते हैं मेरे सर। इसमें इलायची, तुलसी, मतलब 11 प्रकार का मसाला, मेरा अपना मसाला सर ये, तो मैं 11 प्रकार का मसाला बना मिलाता हूँ इसमें, और 2 प्रकार का इसमें नमक डालता है सर, और नींबू और लेमन टी। ये गैस हजमे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चाय है, और मतलब कहने का मतलब है कि फ़ायदा करेगी लेकिन नुकसान नहीं करेगी, कहने का मतलब ये है। दिन में कितनी चाय बिक जाती होंगी आपकी? दिन में कम से कम, पहले तो जब पहले मैंने साहब पहले साल काम करा था तो उस टाइम तो मेरा ऐसा था कि 100-150 की चाय थी, लेकिन इस टाइम मतलब ये रहा 400 चाय तक निकल जाती है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी चाय ज़्यादा ऑफिसों में जाती हैं, बैंकों में जाती हैं, और जो क्या करते हैं जो लोग सारे दिन भर बैठ के काम करते हैं, जिनको थोड़ा होता है एनर्जी बूस्ट। एक सबसे बड़ी फायदा इस चाय का पी के ये होता है कि एनर्जी बूस्ट करती है, इम्यूनिटी बनाती है शरीर के लिए। इसमें इलायची है, तुलसी है, मुलेठी है, सौंफ है, अजवाइन है, काली मिर्च है, जीरा, अदरक है, दालचीनी है, सौंठ है, हरड़ है, जायफल है, जावित्री है। लेकिन उसका बनाने का मेथड है कि कौन कितना डालना है, ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, तभी टेस्ट भी आएगा। अगर इसमें एक भी काली मिर्च या इलायची फालतू पड़ेगा तो टेस्ट गड़बड़ हो जाता है इसका।